पहले सवाल तो ये है कि ये जो फुल कंटेंट है विक्री हॉरस्कोप का वो किसको चाहिए मेरा जवाब है कि वो सभी लोगों को चाहिए जिनकी इस आने वाले वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स है बहुत कोई इंटरव्यू है, को है कोई मीटिंग्स है कोई प्रेजेंटेशन है कोई डीलिंग है कोई कोर्ट का कोर्ट की डेट है कोई इंटरव्यू है कोई टेस्ट है कोई एग्ज़ाम है उन सभी के लोगों के लिए विक्री हॉर्स्कोप की बहुत दरकार है उनको ज़रूरत है अगर आपने इस आने वाले वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने हैं आपको इस आने वाले वीक पर बहुत हर बात पर नज़र रखनी है क्यों हो रहा है कैसे रहा, किस तरह हो रहा है हालात क्या है सिचुएशन क्या है आप उस पर क्या रोल प्ले करते हैं एक्शन रिएक्शन कैसा होगा आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए आप पूरी बात को खोलना चाहते हैं उसमें कोई फ़ैसला भी करना चाहते हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न चॉइस बनाना चाहते हैं तो फिर ये वीकली फॉरस्कोप की पूरी रिपोर्ट आपको लेनी चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे जाकर मिल सकती है प्रकाश एस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम लेकिन प्रिव्यू जो हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें हम कंक्लूजन दे देते हैं हमारे पांच पार्ट होते हैं जो आपसे शेयर किए जाते हैं आमतौर पर ट्रांजिट बताते हैं इन्वायरमेंट कंक्लूजन बताता है आपके एक्शन रिएक्शन टास्क बताते हैं हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे प्रकॉशन बताता है क्या आपको नहीं करना और डिफेंस में कैसे जाना है मंत्र साधना किस तरह से आप स्पिरिचुअली अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं मंत्र साधना से ये सारे कंटेंट हम प्रीमियम कंटेंट में देते हैं अगर आपको ये सभी की दरकार है आपको जरूरत है आपको लगता है कि ये आप चुचाइए चाहिए तो फिर आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट प्रकाश डॉट तो प्रीमियम कंटेंट फुल कंटेंट लीजिए वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर तो उसको इंप्लीमेंट करें क्योंकि तो हमारे जो भी वीकली मंथली ईयरली हॉरोस्कोप रिपोर्ट्स है वो अप्लाइड है उसमें अकेली प्रोडिक्शन नहीं है उसमें आपका बहुत बड़ा उसमें योगदान आप कर सकते हैं अपने भविष्य के अंदर आप ये सिर्फ मूक दर्शक की तरह नहीं देख रहे क्या हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा चेंज करें कर्मा भगवान ने आपको दिया उस कर्म शक्ति का प्रयोग करके जो चाहे फिर आप कर ले बदल दे उसको लियो के लिए पंद्रह नवंबर से इक्कीस नवंबर ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा लियो कंक्लूजन के तौर तो पे कंक्लूजन में आपको इस पूरे वीक में मिलेगा क्या और ये पूरे वीक लियो के लिए इस आने वाले वीक पे लियो के लिए आपकी पर्सनल करेज की बदौलत आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डोमिनेट कर देंगे बहुत सारे इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होंगे जब करेज आता है तो फिर चला जाता है बहुत सारी भाग दौड़ होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन आपके लिए पैसे लेके आएगी दिमागी अशांति से बचें धन संपदा मिलेगी लेकिन बहुत मेहनत के बाद फैमिली से जो चाहते हैं कंफर्ट वो आपको मिल जाएगी नेमोफेम में राइज होगी मन की इच्छाएँ पूरी होंगी आपका नाम होगा आपकी तरक्की होगी धन संपदा मिलेगी शत्रुओं का दमन होगा मुश्किलें आसान होगी, कामयाबियाँ आपको मिलेंगी आगे बढ़ेंगे आप बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे पेट का ध्यान रखें आई इन्फेक्शन से बचें कोल्ड से बचें आपका स्टेटस में राइज होगा आप आगे बढ़ेंगे धन संपदा बनाएंगे तरक्की करेंगे शत्रुओं का दमन होगा मुश्किलें आसान होंगी इस टाइम के अंदर अर्निंग में राइज होगी बहुत सारी मानसिक परेशानियाँ भी होगी आई इन्फेक्शन से बचें पेट का ध्यान रखें बहुत सारी कामयाबी आपको मिलेगी मन की इच्छाएं पूरी होंगी धन संपदा मिलेगी स्टेटस में आप राइज करेंगे आगे बढ़ेंगे लियो केतु चौथे भाव में है केवल फोकस कंसंट्रेशन नहीं होगा बेचैनी बहुत ज्यादा होगी बृहस्पति शनि छठे भाव में है शत्रु पर नजर रखे हेल्थ का ध्यान रखें फाइनेंशियल लॉसेज से बचे कई बार काम का स्टॉप हो सकता है राहु दशम भाव में प्रोफेशन में बहुत सारे लिविंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं प्रोफेशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है चंद्रमा आपके अष्ट भाव में होगा हेल्थ का ध्यान रख के पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस कई बार वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश कंप्लीट वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट ले चंद्रमा के गोचर का फल क्या है जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपके चॉइसेस आपकी हेल्थ आपकी हार्मोनी आपकी हैप्पीनेस एक्सटेंसिव वीकली हॉर्स्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस आने वाले वीक में ऐसे ज्योतिष के कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरें प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना चाहिए ताकि सिचुएशन बिगड़े ना मंत्र साधना में वो ऐसी कौन सी मंत्र की उपासना है जिसको आपको करते रहना चाहिए ताकि आप सुप्रमेसी हासिल करें और किसी भी मुश्किल से बाहर के उबर के बाहर आ जाएं अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश ऑस्ट्रोलोजर डॉट कॉम वीकली हॉलोस्कोप की रिपोर्ट लें उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट